इंडस्ट्री में पैर जमाना कोई आम बात नहीं है, इसलिए हर कोई शुरुआती तौर पर एक फिल्म पाने के लिए बी ग्रेड फिल्मों का सहारा लेता है। तो वहीं बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां हैं जो इस दौर से गुजर चुकी हैं। इनमें से एक हैं बॉलीवुड की यू कहे मोस्ट एवर ग्रीन खूबसूरत एक्ट्रेस रेखा, वो भी इस दौर से गुजर चुकी हैं। जी हाँ, रेखा ने अपने करियर की शुरुआत सावन भादो फिल्म से की थी। ये उनकी पहली हिट फिल्म भी थी, मगर प्राण जाए पर वचन न जाए भी एक ऐसी फिल्म थी जिसके कई सीन में रेखा ने बेहद बोल्ड किए थे। पूरे बॉलीवुड में इस बात से हंगामा मच गया था। कम उम्र में ही रेखा ने अपने घर पर स्थिति संभाल ली थी, क्योंकि उनके घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थे। शुरुआती दिनों में रेखा ने तमिल के कुछ बी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया। बॉलीवुड में रेखा को काम सूत्र जैसी एरोटिक फिल्मों का हिस्सा भी बनना पड़ा। दरअसल ये फिल्म उस वक्त आई थी जब इस तरह के सीन करना बहुत बोल्ड माना जाता था, लेकिन रेखा ने हमेशा ही ये साबित किया है कि वो हर तरह का किरदार निभा सकती है। प्राण जाए पर वचन ना जाए को एस अली राजा ने डायरेक्ट किया था। फिल्म को प्रोड्यूस किया था रतन मोहन ने। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। इस फिल्म में मशहूर विलन रंजीत ने भी काम किया था। यासिर उस्मान की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में एक गोल मटोल सांवली और हिंदी न जानने वाली भानु रेखा गणेशन की हिंदी फिल्मों की सबसे ग्लैमरस स्टार और स्टाइल डीवा बनने की कहानी को दिलचस्प अंदाज में बयान किया गया है। रेखा के पिता तमिल फिल्मों के एक्टर जैमिनी गणेशन और माँ तेलुगु एक्ट्रेस पुष्पा वल्ली थी। रेखा का संबंध पहले से ही फिल्मी दुनिया से था और उन्होंने काफी छोटी उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि रेखा को पहली ही बॉलीवुड फिल्म में यौन शोषण का सामना करना पड़ा, जो कि कई साल बाद रिलीज हुई थी। दरअसल फिल्म अनजाना सफर की शूटिंग के दौरान वो एक दिन फिल्म के रोमांटिक गाने की शूटिंग के लिए पहुंची थी, और जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन कहा वैसे ही फिल्म के लीड एक्टर विश्वजीत ने उन्हें होंठों पर किस करना शुरू किया, और ये किस लगभग 5 मिनट तक चलता रहा। इस पर मशहूर पत्रिका लाइफ तक में चर्चा की गई।